कौन थी ये महिला और आधी रात के वक्त यूं सड़क पर अकेले किसका इंतजार कर रही थी? और वो दूसरी महिला कौन थी जिसे देखकर वो चौंक गई? इस महिला का गाड़ी से टकरा जाना क्या महज एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? क्या था इस दर्दनाक मौत का राज? ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीनों पीछे। अमन करण, ओहो, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। खेलना है तो बाहर जाके खेलिए। Come on, get it. माँ, कोई आ जाना, आज मुझे लंच बॉक्स नहीं देना है। क्यों, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें ट्रीट दे रहे हैं, आज आ लिया। पापा, देखो, मेरी जैसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की को तो हर लड़का ट्रीट देना चाहता है ना? लेकिन आज हमारा इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन है, उसी के लिए। वेरी गुड, तुम्हें जीतना होगा। हाँ। पता है, अभी टेंशन के मारे भूख नहीं है। जीतने के बाद कुछ बाहर का कचरा खाएगी और पेट खराब करेगी, राइट? अरे चलो बाय पापा, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तुम्हारी बेटी है ना, बिल्कुल तुम पे गई है, घर में दिखती नहीं है। हाँ, तो मेरी बेटी है ना। चलो। अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारे प्रमोशन की बात चल रही थी ना, क्या हुआ? मीनाक्षी मैडम, आपके पति की सर्विस रिपोर्ट जो है ना, बहुत अच्छी है। उन्हें एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट तो मिलनी है, लेकिन क्या है कि शहर में दंगों की वजह से डिपार्टमेंट को टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए यू नो, यार रोमांस भी नहीं। हेलो, व्हाट? ओके, मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना होगा। मीनाक्षी, नाश्ता तो करके जाओ। मम्मी पापा का उसूल है, काम पहले बाकी सब चीजें बाद में। इज राइट, सी यू, बाय बाबा। ट्यूशन जरूर जाना। हाँ। चलो भाई। चल, अब तू भी नाश्ता करेगा या तेरा भी कोई प्लान है? नहीं मामा, मेरे पैर में तो चूहे दौड़ रहे। चल सर, वो बिल्डर कनौजिया को खून के मामले में बेल मिल गई। I know, and it's only because of you. तो तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आनंद? You're a sincere officer. तुम्हें उसका बयान वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए था। शातिर आदमी है, जज के सामने मुकर गया। सर, next time I'll be more careful. You better be. सर, वो कामना कश्यप आई है आपसे मिलने। कामना कश्यप? सर, वो सोशल वर्कर। सोशल वर्कर? सर, बस दो महीने पहले आपने वो रेड लाइट एरिया की लड़कियों को छुड़ाने की मदद की थी सर आपने। ओहो, यार ये सोशल वर्कर्स को क्या लगता है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है? उनसे कह दो कि हमारे पास टाइम नहीं सर। वो काम सिर्फ आपके पास ही नहीं है मिस्टर चावला, हम सोशल वर्कर्स भी काम करते हैं, वो भी बगैर तनख्वाह। नो मैम, प्लीज मैम, यू डोंट। आप तो सीरियस हो गए, मैंने इतनी सीरियस बात थोड़ी ना की थी। एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, आपने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचाई। रियली थैंक यू सो वेरी मच। मैम, थैंक्स बोलने की कोई बात नहीं है, तो हमारा फर्ज था। नो नो, रियली थैंक यू, आपके बगैर तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मैम प्लीज, एक्चुअली एक और केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि आप अभी बिजी हैं, आप एक बड़े अफसर हैं, इतने सारे काम हैं आपके पास, क्या आप कल रात मेरे घर डिनर पर आ सकते हैं? नो मैम, मेरी नजर में ये रिश्वत है। और मेरी नजर में ये थैंक्स कहने का एक तरीका है। देखिए, अगर आप कल डिनर पर आएंगे तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो मैं आपको थैंक्स कह दूंगी और दूसरा हम केस डिस्कस कर पाएंगे। मैं कुछ कमेंट तो नहीं कर सकता, बट
I'll try. Please try. Thank you. छोटा सा आकर्षण कभी कभी बड़ा जुनून बन जाता है और कामना के प्रति जोगिंदर का यह आकर्षण उसके पारिवारिक जीवन के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला था। जहां कामना जैसी अकेली और आजाद ख्याल औरत के लिए जोगिंदर जैसे बड़े अधिकारी का साथ अभिमान का कारण था, वहीं जोगिंदर के लिए कामना का साथ किसी मधुर सपने की तरह था। एक अभिमान और एक सपना जिसे दोनों ही टूटने नहीं देना चाहते थे। अब जोगिंदर काम के बहाने अक्सर कामना के घर आने जाने लगा। अपने इस आकर्षण की गिरफ्त में जोगिंदर ये तक भूल गया कि उसका अपना एक परिवार भी है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधर मीनाक्षी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक जोगिंदर उससे खिंचा खिंचा क्यों रहने लगा था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि जोगिंदर बड़ी सफाई से अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो उसकी जिंदगी का ये सच उसके परिवार के सामने आना ही था। अब तो तुमने बुटरी देनी पड़ेगी, हार गए। जल्दी आ गई आज तो? हाँ माँ, कुछ काम था। एक काम कर, जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जा, खाना भी रेडी है। अरे जा ना। माँ वो क्या हुआ, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ माँ, वो कुछ नहीं। आलिया, आलिया सुन ना, एक मैच खेलते हैं। ओए बेरी हो गई है क्या? यार चुप कर कर, तेरा दिमाग पहले ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ फ्रेंड के साथ? नहीं करन, वो छोड़, मेरे मतलब की बात नहीं। अब बताएगी तभी तो मालूम पड़ेगा कि मेरे मतलब की बात है कि नहीं। यार करण, बोल क्या हुआ? करण, मैंने आज पापा को किसी औरत के साथ देखा। मैं रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ गई थी, वहाँ पापा थे। मैंने माँ को भी बताने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा किया कि तूने माँ को नहीं बताया। आई थिंक हमें सीधे पापा से बात करनी चाहिए। आई गेस यू आर राइट। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो आप शहर को कहीं बाहर गए थे क्या? काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? आला ने आपको देखा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी औरत के साथ रेस्टोरेंट में आपका क्या काम हो सकता है? करण, thank you.
तरन, जो भी हो तुम्हें अपने पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब देखो कितनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चले गए। और क्या करता, दोपहर से आलिया और मैं परेशान थे। प्लीज कामना जी सोशल वर्कर है और इनके साथ मिलकर के हम वेश्याओं को सुधारने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इनसे मुझे मिलना पड़ा। करण, तुम जानते हो मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि थप्पड़ मारने से ज्यादा जरूरी था तुम्हें आईना दिखाना। मरालिया, तुम तो मेरी फेवरेट हो, तुम्हें तो वही पूछ लेना चाहिए था जहां तुमने मुझे देखा था। तुम्हारा हक बनता है, तुम बेटी हो मेरी। आइंदा से मुझसे सीधे बात करना। सॉरी पापा। कम ऑन मिस्टर चावला, भले थोड़ी देर से की पर बात तो आप ही से की ना। चलिए अब माफ कर दीजिए जी। अब कोई और सवाल ना हो तो मैं इन्हें छोड़ा, या कुछ और पूछना है आप लोगों को? सॉरी कामना जी, आपको ऐसे पर्सनल मैटर में मुझे घसीटना पड़ा। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। आइए कामना जी प्लीज। अच्छा मीनाक्षी जी, चलती फिर मिलेंगे। बेशर्मी और छल की भी हद होती है। पकड़े जाने पर जोगिंदर ने कामना को अपने बीवी बच्चों के सामने लाकर उनका मुंह बंद कर दिया। खुद शर्मिंदा होने के बजाय उसने अपने परिवार को उनकी ही निगाहों में शर्मिंदा कर दिया। जो शख्स कभी एक ईमानदार अफसर था, प्यार करने वाला पति, दुलार देने वाला पिता था, आज वो अपने ही बीवी बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और सवाल ये था कि आखिर वो कामना के साथ अपने रिश्ते को कब तक छिपा कर रख सकता था। ओहो, आज फिर फाइल्स यहां रख दिए। ये तो किसी ज्वेलरी शॉप का बिल है। इतनी महंगी ज्वेलरी मुझे बताया भी नहीं, किसके लिए खरीदी होगी? आलिया, आलिया बेटा एक मिनट आना। हाँ माँ। देख तेरे पापा ने ज्वेलरी खरीदी है, 2,35,000 की ज्वेलरी, और मुझे बताया भी नहीं किसके लिए खरीदी होगी। कम ऑन माँ, अब आप भी उन पे मेरी तरह शक मत करो। आपके लिए खरीदी होगी ना, और किसके लिए खरीदेंगे? आपका बर्थडे भी तो आ रहा है, मे भी सरप्राइज देना हो। सरप्राइज? हाँ, पर अगर मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया तो? इतनी महंगी ज्वेलरी है। फिर हम एक काम करते हैं, हम ये ज्वेलरी शॉप पे चलते हैं और आप डिजाइन देख लेना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो थोड़ी सी चीटिंग करके चेंज कर लेंगे और पापा को पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए मैडम, इस हार का ऑर्डर हमें एक हफ्ते पहले मिला था, अभी 2 दिन के बाद इसकी डिलीवरी है। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया। बहुत सुंदर है, डिजाइन बहुत प्यारा है ना। वैसे नेकलेस तैयार है मैडम, अगर आप चाहें तो साथ में ले जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, डैड को लेके जाने दीजिए। एक्चुअली क्या है, आप उन्हें बताइएगा भी नहीं कि हम लोग आए थे, ये सरप्राइज है, नहीं तो उनका सरप्राइज खराब हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। All set, मम्मा। हाँ, पर तेरे पापा अभी तक नहीं आए। माँ, आपको पापा का इंतजार है या आपके नेकलेस का? चिंता मत करो मम्मी, अभी आ जाएंगे। मैंने तुमसे कहा ना, I have some personal life also यार। अरे पापा आ गए? Not today। हाँ मम्मी, उनके हाथ तो खाली है। Okay, thank you। Wow, कितना खूबसूरत सजाया तुम लोगों ने। किसने सजाया, आलिया ने या करण ने? दोनों ने। अरे यार एक मिनट लड़ो मत, इधर आओ, मेरी बीवी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, आई एम
But this is a small gift for my beautiful wife. अरे रुको तो सही, फोटो तो खींचने दो. अभी केक काटते, मुझे बहुत भूख लगी. अरे करण एक मिनट यार, ये पुलिस की वर्दी में केक काटेंगे. मैं करण मतलब प्लीज, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी. मैं 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ. और वैसे भी क्या है कि स्पेशल गेस्ट आने वाला है. अब तुमने अपने फ्रेंड्स नहीं बुलाए तो क्या मैंने बुलाए? प्लीज मुझे 5 मिनट का समय दो. आलिया ये तो वो वाली गिफ्ट नहीं है. कोई बात नहीं मम्मा, क्या पता आप आपको पर्सनली देना चाहते हो. प्राइवेट गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे. अच्छा सुन, हाँ. पापा ने कहा है ना कोई गेस्ट आने वाले हैं. हाँ. मैं थोड़ी और तैयारी कर लेती हूँ. ठीक है. अच्छा ये सब रखा है ना? नाइफ है, मैच बॉक्स है. हैप्पी बर्थडे. आलिया तुम, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो जो सरप्राइज वाला नेकलेस था ना, वो कामना पहन के आई है. हाँ हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. अच्छा मैं खिलाता हूँ. हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी. कामना जी. आप भी खाए. थैंक यू. वैसे कामना आंटी के गले में जो नेकलेस है वो बहुत अच्छा लग रहा है ना पापा? हाँ भाई, इनकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहा है. 2-2.5 लाख का तो हो गई है ना? हाँ महंगा तो है. It's the latest design. Sure. भाई आपकी पसंद की दाद देनी चाहिए. Thank you. पापा please. Enough is enough. हम सबको पता है कि ये यार आप ही ने खरीद कर दिया है, पर आपने एक छोटी मिस्टेक कर दी. ब्लू स्टोन्स की जगह आप रेड स्टोन्स खरीद कर देते ना तो इन पर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता. Because red is the color of passion. क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी सौतन को स्वीकार कर लूं? सौतन नहीं है वो. तुम जो भी कहो मेरे जीतने चाहिए. बिल्कुल नहीं हो. नहीं हो सकता. नहीं. ठीक है. ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा. हाँ? सारी जिंदगी मेहनत करके इस घर को पालता रहा मैं. पर तुम मेरी बात सुनो. मेरी बात कुछ नहीं सुनता है मुझे. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. कुछ जरूरत नहीं. मेरी बात सुनो. देखो बच्चे को क्या चीजेंगी. कुछ भी हो लेकिन देखो देखो सब ठीक हो जाएगा. सुनो छोड़ो मुझे. प्लीज छोड़ो मुझे. मीनाक्षी छोड़ो. छोड़ो मुझे. नहीं ना. मत रो. जिस बीवी ने हमेशा ख्याल रखा, प्यार किया, जिन बच्चों ने उसे अपना आदर्श समझा, उन्हीं को ठोकर मारकर जोगिंदर कामना के पहलू में चला गया. अब वो उसी के फ्लैट में रहने लगा और उसे खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीद कर देने लगा. लेकिन इसके लिए उसकी तनख्वाह काफी नहीं थी. पहले उसने नैतिकता का साथ छोड़ा, अपने परिवार को त्याग दिया और अब फर्ज और ड्यूटी का रास्ता भूलकर बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा. जो कभी न्याय की रक्षा करता था अब वो अपने ही परिवार के साथ अन्याय करने लगा. पत्नी और बच्चों के जरूरी खर्चों में से कटौती करने लगा. आलम ये था कि अब बच्चे अपने ही पिता के सामने हाथ फैलाए खड़े थे. हाँ मैंने बैंक अकाउंट बंद करा दिया. मुझे पैसों की जरूरत थी. कामना के घर का रेनोवेशन कराना था मुझे. अब ये सब क्यों कर रहे हो? अब ये सब बंद क्यों नहीं कर देते?
सी आलिया, ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं, ये सब की जिम्मेदार तुम लोग। अगर तुमने हमें चैन से रहने दिया होता तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं। पापा कितने बदल गए हैं, अब पहले ऐसे कभी नहीं थे। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी। मैं कम इन सर। या कम इन। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके और कामना मैम के लिए गोवा टूर का पैकेज सिलेक्ट कर लिया है। और सर, ये रही टिकट्स। ठीक है, घर आके चेक ले जाना। ओके सर। अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च करने के लिए पैसे हैं आपके पास, लेकिन अपनी बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। शट अप, जस्ट शट अप। हाँ, मैं पैसे खर्च करता हूँ उस पे, पर मैंने तेरी माँ को रोका नहीं है। अगर चाहे तो कोई यार बना सकती है जो उस पे पैसे खर्च करे। अंडरस्टैंड? नाउ गो। आई सेड गो। What? सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको अपनी बेटी के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आनंद, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। तो अपने काम पे ध्यान दो। दिस इज माय पर्सनल मैटर, गॉट इट? सॉरी सर, अब वो फाइल करेक्शन के लिए भेजनी थी सर। टेक दिस। थैंक यू सर। आलिया हैरान थी। पिता की कठोरता से उसके दिल को गहरा सदमा पहुंचा था। जिस पिता की आंखों का तारा हुआ करती थी वो कभी, आज उसी पिता ने उसकी बेइज्जती की थी। मीनाक्षी अब तक अपने बच्चों की खातिर चुप थी। उसे लग रहा था एक ना एक दिन जोगिंदर सही रास्ते पर वापस लौट आएगा, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसे अपने पति के सामने खड़ा होना ही होगा। बची कुछ शर्म भी छोड़ दी है क्या तुम? कम से कम दरवाजा खोलते हुए ढंग से कपड़े तो पहने। डार्लिंग, कौन है? क्या काम है? कल सुबह ऑफिस में आके बात कर लेना, जो भी करना है, जो भी बात। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी, और अगर चाहते हो कि यह तमाशा ना बने तो मुझे अंदर आने दो। तमाशा होगा तो सोसाइटी में मेरी बदनामी होगी। अंदर आने दो इसे। बोलो, क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। अब तक मैं सब कुछ सहती रही सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन अब नहीं मिस्टर जोगिंदर चावला, क्योंकि अब मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक पत्नी चाहे तो क्या कर सकती है। तुमने शादी की है मुझसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर पूरा हक है मेरा, और ये मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। और वैसे भी भूलना मत कि तुम्हारा प्रमोशन स्तर पे है। अगर मैंने कोई शिकायत कर दी तो तुम्हारा प्रमोशन दूर की बात, तुम पर इंक्वायरी बैठ जाएगी। इसीलिए कल सुबह का नाश्ता तुम घर पे करोगे। सुबह 8 बजे तुम अपनी इस डार्लिंग को छोड़कर और अपना सारा सामान लेकर घर पे आओ, वरना 9 बजे मैं पुलिस कमिश्नर के पास चली जाऊंगी और 10 बजे प्रेस में, तो तुम समझ सकते हो। और तुम्हारी ये जो बची कुची है ना, इज्जत, धज्जियां उड़ जाएंगी। और तुम पर तो ना बहुत तरस आता है मुझे, अपना घर तो बसा ही नहीं पाई और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने चली। वैसे वैश्याओं को बचाना बहुत अच्छा काम है, पर तुम तो वैश्याओं को बचाते बचाते खुद ही वैश्या बन गए। छी, तू है तुम। अच्छा, तुम सुबह 8 बजे
घंटी बज रही है। माँ आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों? अपने घर में आने के लिए परमिशन चाहिए। हमारी माँ से बात हुई थी, उसी ने बुलाया। माँ ने? हाँ, तुम्हारी माँ ने। कहाँ है, उसे बुलाओ। माँ, मम्मा, 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 माँ अपने कमरे में नहीं है, कहाँ जा सकती है वो? अरे कहीं भी होगी, देख लो ना उसे। मैंने सब जगह देखा, वो कहीं पे भी नहीं है। क्या हुआ? माँ अपने कमरे में नहीं है, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं क्यों करूंगा तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी? हेलो, व्हाट, कहाँ? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। हमें सुनसान सड़क पर मिली, शायद हिट एंड रन केस हो। दूर हटो, कर दिया ना जो करना था, मार दिया ना मेरी माँ को। ये कि एक्सीडेंट नहीं है सर, ये एक मर्डर है, इन्होंने मारा मेरी माँ को। अरे बेटा तेरा दिमाग खराब है। दूर हटो। अरे आज की ताजा खबर, एसपी की बेटी ने अपने बाप पर खून का इल्जाम लगाया। आज की ताजा खबर। क्या है ये सब? जुगेंद्र, व्हाट इज ऑल दिस? तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज पुलिस बदनाम हो रही है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने पोस्ट की तो फिक्र करो। सॉरी सर, दिस इज माई पर्सनल मैटर। और मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए, तो जानते हैं कि हम पुलिस वाले हमेशा उनके निशाने पर होते हैं। जोगिंदर, मगर कंप्लेंट सीधी मेरे पास आई है और मीडिया को शांत करने के लिए मुझे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवानी होगी। तब तक के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। नो प्रॉब्लम, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। आलिया की शिकायत पर गवाहों के बयान लिए गए। कामना की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक की गई तो पाया गया कि रात को 11 बजे मीनाक्षी कामना के फ्लैट में दाखिल हुई थी और जब तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर निकली तब सही सलामत थी। बची कुची शर्म भी छोड़ दी है तुम? कम से कम दरवाजा खोलते हुए ढंग से कपड़े तो पहन। क्या काम है? कल सुबह ऑफिस में आके बात कर लेना, जो भी करना है। जो भी बात, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। तो मिस्टर जोगिंदर, उस रात 11 बजे के करीब आपकी बीवी मिस कामना कश्यप के फ्लैट में पहुंची। कामना कश्यप के फ्लैट में मीनाक्षी गई थी और गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल के आ गई लगभग 11:30 बजे। You can see it in CCTV footage. और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे करीब आपने अपनी बीवी को फिर से फोन किया। मैंने मीनाक्षी को फोन किया था मनाने के लिए। उन्होंने फोन पर कहा कि आप सुबह घर आ जाइएगा और उसके बाद फोन काट दिए। अच्छा सर, फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मीनाक्षी जी के फोन पे आखिरी कॉल इनका ही आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस वक्त तक वो मारी जा चुकी थी। तो हम ये क्यों ना मान ले कि झगड़े के बाद आपने ही उनका कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मीनाक्षी की मौत रात 11:30 से 12 के बीच में हो गई थी, राइट?
और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मैं कामना कश्यप के घर से सुबह 7 बजे निकला था। जिसका मतलब ये बनता है कि आप किसी पराई औरत के साथ रात गुजारे। इन दैट केस सर, आप पर तो एडल्ट्री का मामला बनता है। ऑफिसर, उसके लिए तो मेरी पत्नी की ऑफिशियल रिपोर्ट होनी चाहिए किसी पुलिस स्टेशन, जो कि नहीं। सर, कामना कश्यप मेरी दोस्त है। उस रात मैं उसके घर डिनर करने के लिए गया था। पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि मैं कामना कश्यप की मदद कर रहा था ये रेड लाइट से जुड़े हुए केसेस को सॉल्व करने के लिए। जेंटलमैन, आप सब जानते हैं कि ये मेरे खिलाफ एक नादान बच्ची की मनगढ़ंत कहानी है, नथिंग एल्स। बाय द वे, मुझे कल सुबह ऑफिस का चार्ज संभालना है, तो अगर आप लोगों की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई हो तो मैं जाऊं। थैंक यू ऑफिसर, सुबह 8 बजे मेरे कैबिन में मिलना। थैंक यू सर। तुम लोगों को क्या लगा, डीआईजी से मिलके प्रेस में न्यूज देके मेरा कुछ बिगाड़ दोगे? अभी अभी इंक्वायरी कमेटी को चुप करा के आ रहे हैं, और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी चुप रहो। अगर जुबान खुली ना और एक बात, मैं अपना घर बेच रहा हूं, तुम दोनों देख लो क्या करना है। आपके आंखों में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर? हम ऐसा ही कर सकते हैं। आप चुप। चुप तो हम नहीं रहे। हमने आप ही से सीखा कि पुलिस वाले कैसे भी करके मुजरिम को पकड़ ही लेते हैं, और आपने जो किया है ना, उसकी सजा कुछ जरूर मिले। बहुत सीख गई है, अपने बाप को चैलेंज कर रही है। पैदा किया है तुम्हें, चल इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम्हारी मां को मैंने ही मारा है। लेकिन तू मेरा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसी बात है, मैं आपके खिलाफ सबूत ढूंढ के रहूंगी। और आपने जो किया है ना मेरी माँ के साथ, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। कोशिश करो। कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? ये अंगूठी तो माँ की है। ये इसके पास कैसे आई? I'm sorry, पर अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन इस केस की तफ्तीश पूरी हो चुकी है और तुम्हारे डैड बेकसूर साबित हुए। देखिए, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है। मेरे पापा बरी हो गए हैं, मेरी मॉम का केस अभी बाकी है। अब ये देखिए, इन फोटोज में मेरी माँ के हाथों में जो अंगूठी है, वो मैंने कामना के हाथों में देखी है। मैं अपनी मॉम को इंसाफ दिलाए बिना चुप नहीं बैठ सकती। कितनी बार समझा चुकी हूँ आपको, ये अंगूठी मेरी है। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? जी नहीं मैडम, ये अंगूठी मीनाक्षी जी की। देखिए, एक ही डिजाइन की और भी तो अंगूठियां हो सकती है ना। ये अंगूठी मुझे मेरी माँ ने दी थी। ये क्या है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? अनग्रह केस छोड़ो ने। सर, ये शक के दायरे में है। कोई शक के दायरे में नहीं है, मैंने कहा ना छोड़ो इन्हें, वो जो सीनियर। लेकिन सर, इनके पास से मीनाक्षी जी की अंगूठी बरामद की। ये देखिए, ये अंगूठी कामना जी को मैंने दी।
मीनाक्षी जी उस रात हमारे घर आई थी, गुस्से में हमारे मुंह पे ये अंगूठी मार के गई थी। मैंने कामना जी को दी थी संभालने के लिए। लेकिन सर अभी तो इन्होंने कहा कि मम्मी ने दी थी अंगूठी। आनंद प्लीज कम ऑन, डोंट बिहेव लाइक अ किड। एक बात बताओ, ये जो बयानबाजी हुई है ये कहीं दर्ज हुई है? ऑडियो, वीडियोग्राफी, है समथिंग लाइक दैट? है नहीं ना? तो ये बयान नहीं है, बयान ये है जो अभी हम तुम्हें देने जा रहे हैं। ये अंगूठी उस रात मीनाक्षी जी ने हमारे मुंह पे मारी थी और मैंने कामना जी को ये अंगूठी संभालने के लिए दी थी। ठीक है, तुम्हारा शक दूर हो गया हो तो इस रिलीज। ठीक है सर, मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आपकी बेटी पीछा नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल आप पे गई है। आनंद, कैन यू डू मी अ फेवर? इस बच्ची को बता दो कि मैं इसका बाप हूं। हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करें। आइए कामना जी, चलिए। बेवकूफ औरत, तेरी इतनी सी लालच तुझे भी मरवाती और साथ में मुझे भी। तो क्या जरूरत थी मीनाक्षी की लाश में संगूठी निकालने की? स्टुपिड, करियर चौपट करेगी मेरा। तेरी खोपड़ी में दिमाग है कि नहीं है? जाहिल औरत। माइंड योर लैंग्वेज, तरीके से बात करना मुझसे, और ये ध्यान रखना कि कत्ल तुमने किया है। मैंने नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे डराया था। मैं मीनाक्षी नहीं जिसे तुमने जब चाहा गाली दी, जब चाहा छोड़ दिया और जब चाहा मार दिया। तुम्हारे पैर की जूती नहीं, मैं आजाद। अब तुम इस वक्त मेरे घर पर हो, समझे? तुमने भी वही गलती की है जो मीनाक्षी ने की थी। मेरा ईगो हर्ट किया था और मैंने उसे मार दिया। शौक है ना तुझे आजाद होने का? अभी करता हूँ तुझे आजाद। सर, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए अपने। ले जाइए ना सर, प्लीज चलिए सर। फिर वही बेवकूफी आनंद, तुम कुछ नहीं साबित कर पाओगे। देयर इज नो प्रूफ। प्रूफ है सर, आपकी आवाज और आपका वीडियो, ये देखिए। तरीके से बात करना मुझसे, और ये मत भूलो कि कत्ल तुमने किया है। मैंने नहीं, मैंने सिर्फ उसे डराया था। So your kind information, मैं मीनाक्षी नहीं जिसे तुमने जब चाहा गाली दी, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा मार दिया। हमें पता था कि महज एक अंगूठी के बेस पर ना तो हम इसे ना ही आपको मुजरिम साबित कर पाएंगे। इसीलिए जब हमने कामना जी को फ्लैट से लेकर आए, तभी कोर्ट से स्पेशल परमिशन लिए और हमारे टेक्नीशियंस जाके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास फिट कर दिए। अब आपके दिए हुए सारे बयान इसमें कैद है। तो सर, आप हमें बता ही दीजिए कि आपने ही मीनाक्षी जी का खून किया है। मैंने मीनाक्षी को मारा है। उस रात जब कामना के घर से मीनाक्षी हमें धमकी देकर निकली तो 8 बजे मेरा करियर बर्बाद करेगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरास लगे। ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अगर ये औरत कमिश्नर के यहाँ चली गई, प्रेस में चली गई, तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी नौकरी भी जाएगी और हम दोनों जेल जाएंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हेलो। हेलो मीनाक्षी, देखो फोन मत काटना प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी। देखो, तुमने आज जो कुछ भी कहा उसके सुन करके मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सॉरी बोला ना। देखो, तुम कहाँ हो ये मुझे बताओ,
मैं यहाँ हजरतगंज में। तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। मर गए। मेरा करियर खराब करने चली थी, मैंने इसका करियर खराब कर दिया। चल, मैंने कामना की कार से खून के सारे धब्बे मिटा दिए थे। खून का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। मैं जैसे किया था वैसे ही वापस आ गया। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं। It was a perfect crime, लेकिन इस बेवकूफ औरत की वजह से फंस गया मैं। आप इस बेवकूफ औरत की वजह से नहीं, आप अपनी बेहद जिम्मेदार और बुद्धिमान बेटी की वजह से हमारे जाल में फंस गए। तकलीफ होती है उस इंसान का सिर नीचा देख के जिसने कभी हमें सिर ऊंचा करके जीना सिखाया, लेकिन खुशी होती है ये देख के कि कानून का खून करने वाला हर शख्स सिर झुका के ही बैठता। कामना के साथ अपने नाजायज रिश्ते कायम रखने के लिए जोगिंदर ने न केवल अपने परिवार के साथ अन्याय किया बल्कि अपने फर्ज और पुलिस फोर्स को भी धोखा दिया। एक ईमानदार और कार्यकुशल पुलिस वाले से वो एक शातिर अपराधी बन बैठा। जोगिंदर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसकी बेटी आलिया की सूझबूझ की वजह से ही जोगिंदर रंगे हाथों पकड़ा गया। जोगिंदर को अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया और कामना को भी इस जुर्म में उसका साथ देने का दोषी माना गया। दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आज दोनों ही जेल में। जुल्म चाहे कोई पराया करे या फिर अपना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सबका कर्तव्य है। तो बढ़ाइए जुल्म और जुर्म के खिलाफ कदम और रहिए सावधान, सतर्क और सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।